नमस्कार, UP24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा कुलश्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बैंक ऑफ इंडिया में रुपए जमा करने आए एक युवक के 10,000 रुपए का बैग लेकर दो युवक फरार हो गए। युवक का आरोप है कि पहले उसके कपड़ों पर दो युवक ने केमिकल डाला, बाद में जब वह शर्ट को साफ करने गया तब उसका बैग वहां से गायब हो चुका था। अहम बात तो ये रही कि बैंक में लगे CCTV कैमरे बंद थे। यह फिरोजाबाद के बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ एक युवक बैंक में रुपए जमा करने के लिए आया था, तभी वहीं मौजूद एक युवती ने उससे कुछ बात की। इतनी देर में दो लड़कों ने आकर उसके ऊपर केमिकल डाल दिया। जब उसने देखा कि मेरी शर्ट पर केमिकल गिर गया है तो वह उसे साफ करने के लिए वहां से गया। इतनी देर में उस युवक का बैग वह दोनों युवक लेकर फरार हो गए, जिसमें 10,000 रुपये, बैंक की पासबुक व अन्य कागजात मौजूद थे। बैंक में बैग गायब होने की खबर से थाना उत्तर पुलिस भी बैंक में पहुंच गई और उसी युवक से पूरी जानकारी ली कि क्या घटना हुई। फिलहाल इस पूरी घटना में अहम बात तो ये रही कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं वह पुलिस को बंद मिले। अगर वह चालू होते तो पुलिस को बैग गायब करने वाले युवकों की पहचान हो जाती और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ सकती थी। फिलहाल युवक ने अपने साथ हुई घटना की तहरीर थाना उत्तर में दे दी है। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार सर। कमलेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहल्ला आनंद। थाना उत्तर। ये क्या घटना हुई है आपके साथ? सर, मैं यहाँ पैसे निकालने आया तो मैंने कैश काउंटर से पैसे निकाले तो एक लड़की खड़ी हुई थी मेरे पीछे। अच्छा। उसने मुझसे पूछा यही कैश काउंटर है? मैंने यही है। मैंने आपको ज़्यादा कन्फर्म करना तो कैशियर साहब से, तो मैं कुछ समझा नहीं कैशियर साहब, मैं अकेला ही था जब मैंने पैसे निकाले। पीछे से वो लड़की थी, एक बच्चा था उसके साथ। जैसे ही मैं बाहर निकल के गया तो मेरे ऊपर किसी ने बैंक के अंदर ही केमिकल डाल दिया और मैं बाहर गया तो वो जो लड़का उस लड़की के साथ था वही लड़का बाहर जाके अटपटी हरकतें कर रहा है, लाओ भैया मैं साफ कर दूँ, सहानुभूति जताने लगा। फिर उसके साथ एक और लड़का था, उसने मुझसे छेड़छाड़ की। जैसे फिर मैं जैसे शर्ट उतार के अंदर आया, मैंने केमिकल को जैसे ही देखा कि केमिकल है मेरे ऊपर, तो मैं अंदर आया तो अंदर मैंने गार्ड साहब से कहा कि सर कुछ लोग मुझसे हरकत कर रही है। गार्ड साहब और बड़े बाबूजी तुरंत ही अंदर बाहर गए। इतनी देर में मैंने बैग यहाँ पर इसमें अंदर लगा के हेलमेट के नीचे रख दिया, मैं अपना शर्ट वहाँ पर धोने चला गया। इतनी देर में मेरा बैग बैग कितना रुपए थे उस बैग में? उस बैग में 10,000 रुपए थे। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी और LIC की दो पॉलिसी थी और चेकबुक थी, दो चेकबुक थी। कौन सी बैंक का मामला है? बैंक ऑफ इंडिया की चेक। बैंक ऑफ इंडिया। तो पुलिस को आपने अवगत कराया? पुलिस मौके पर आ गई, तहरीर दी है कुछ लिख कर? अभी तहरीर दे दी है और थाने में जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा जी, ये यहाँ पर आप किस पोस्ट पर हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के। अच्छा, यहाँ पर अभी एक वारदात हुई है उसके अभी यहाँ पर लोग बता रहे हैं एक चोरी हो चुकी है 10,000 रुपये की। यहाँ पर CCTV कैमरे का भी कोई इंतजाम नहीं है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? अब ऐसा है कि मुझे तो आप आज मालूम पड़ा कि CCTV कैमरा नहीं चला, क्योंकि मुझे तो अभी 4-5 दिन ही हुए हैं यहाँ। 4-5 दिन तो इसके बारे में मैनेजर सर को तो पता होगा आपके यहाँ CCTV कैमरा है लगा हुआ है, उसके बाद भी चालू नहीं है? अब उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, क्योंकि वो मुझसे 10 दिन पहले आए। मतलब CCTV कैमरा लगा हुआ है सिर्फ दिखाने का है, उसका मतलब कोई काम नहीं है उसका यूज़? ये मैंने स्टाफ से पूछा है तो मुझे कह रहे हैं कि हमने कई बार मेल डाला है हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस, पंच, वहाँ कोई वो नहीं हो पा रहा है। हाँ।